दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले मास क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में, जो मंगल ग्रह पे जिस रोवर ने 2000 दिन कंप्लीट किए। ये 2000 दिन का मैं आपको बात बताऊँ तो मंगल ग्रह पे जो एक दिन के जो लेंथ है वो धरती की पे जो 24 घंटे की लेंथ है उससे तकरीबन आधा घंटा ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि उसने 2000 दिन से ज़्यादा कंप्लीट किया है धरती के दिन, और 2000 दिन उसने पूरे किए हैं मंगल ग्रह पर। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि ये जो रोवर है ये बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है। इसके जो पूरी साइंस, मतलब कि कह सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया गया है। और 2000 दिन पहले, मतलब जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी, तो बहुत सुपर मिशन था ये। इसकी जो आम है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी की बनी हुई है, और एक ऐसी आम जो जिसने पहली बार कोई मंगल ग्रह पर कुछ चीज़ पकड़ी और यूँ बहुत दूसरी डेटा इजाद किए। मैं आपको बताता हूँ इसकी लैंडिंग भी बहुत एक चमत्कार थी। जब पहली बार हमने इस तरह की लैंडिंग कोई देखी थी मंगल ग्रह पर, तो या फिर किसी प्लैनेट पर हमने इस तरह की लैंडिंग नहीं देखी थी। और इसकी जो रोबोट के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा रोबोट था जो एक सोलर पैनल पर नहीं चल के अपनी खुद की एनर्जी पर चलता था। और ये रोबोट तो कमाल था, जिसने अपोलो मिशन के दौरान हमको देखने को मिला, और चंद्रमा पर चलते हुए आदमी इसमें बैठ कर इधर उधर घूम रहे थे। और अब बात करते हैं इस रोवर के बारे में भी मैं आपको बताऊँ तो इस रोवर के को फ्यूचरिस्टिक है। ये एक ऐसा रोवर है जो मंगल ग्रह पे जब कोई आदमी जाएगा, एस्ट्रोनॉट जाएगा, तो वो इस रोवर का यूज करेगा इधर उधर जाने में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो देखना चाहेंगे, जो कुछ किलोमीटर दूर हो गए, कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर हो गए, तो इसी रोवर का वो यूज करेंगे इधर उधर जाने में। और स्पेस साइंस के में बहुत नई उन्नत टेक्नोलॉजी हो रही है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक जानकारी लेकर आने वाला हूँ नासा से जुड़ी और दूसरी स्पेस एजेंसी से जुड़ी। बहुत सारी जानकारी मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। वीडियो कैसे लगी कैसे नहीं लगी ये आप मुझको बता देना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आप मुझे आकर कहोगे कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, या चीज़ ये बुरी लगी, तभी मुझे पता चलेगा। और अगर आपको इस रोवर के बारे में कुछ अधिक कुछ हो जानना है, कुछ यूनिक जानना है, तो आप मुझको बता सकते हैं ये सब चीज़ें कमेंट बॉक्स में आकर कह सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मिलेगी आपको नई जानकारी। और हाँ, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू, टेक केयर फॉर मास मिशन।